हेलो दोस्तों, ACL की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं वो कॉमन कारण जिसकी वजह से कि ACL लिगामेंट की सर्जरी फेल हो जाती है। ये जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ACL लिगामेंट की सर्जरी क्यों फेल हो जाती है, क्योंकि हम उसी के बेसिस पर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इलाज कहाँ करवाना है, कैसे करवाना है। दोस्तों, ACL लिगामेंट में जो सर्जरी फेल होने का सबसे कॉमन कारण मैंने देखा है वो है प्रॉपर ग्राफ्ट की साइज़ का नहीं होना। काफ़ी सारी जगह 6 या 7 नंबर का ग्राफ्ट लगा दिया जाता है। दोस्तों, अगर ग्राफ्ट 8-9 नंबर का नहीं हो तो उसमें आपके लिगामेंट टूटने का डर रहता है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जो ग्राफ्ट की साइज़ है वो 8 नंबर की या 9 होनी चाहिए। मेरे यहां मैं 100% 8 या 9 नंबर का ही ग्राफ्ट यूज़ करता हूँ। इसकी वजह से ग्राफ्ट में काफ़ी स्टेबिलिटी आ जाती है। अगर आपके 6 या 7 नंबर का ग्राफ्ट लगाया जाता है तो चांसेस होता है कि कभी भी वो टूट सकता है। वो बहुत ही वीक ग्राफ्ट होता है और इसलिए मैं उसको पर्सनली पसंद भी नहीं करता हूँ। तो ग्राफ्ट की साइज़ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों, प्रॉपर टनल पोजिशनिंग, यानी कि आपने ACL की जो टनल डॉक्टर ने बनाई है वो किस पोजीशन में बनाई है। अगर टनल की पोजीशन गलत हो जाती है तो उससे ये चांस रहता है कि आपका जो ग्राफ्ट है वो बहुत जल्दी टूट सकता है। इसके लिए डॉक्टर का एक्सपीरियंस बहुत काम में आता है। अब आप हमारे सेंटर को लीजिए, जहाँ पर हर महीने करीब 60 से 100 सर्जरी ACL की होती है। उसके कंपैरिजन में अगर आप किसी ऐसे सेंटर का चुनाव करते हैं जहाँ पर कि साल की 1 या 2 सर्जरी हो रही है, तो हो सकता है कि टनल की पोजीशनिंग प्रॉपर नहीं हो पाए और ऐसे में ग्राफ्ट के टूटने का डर पैदा हो जाता है। तीसरा प्रमुख कारण है जिससे कि ग्राफ्ट टूट सकता है, वो है इन्फेक्शन। काफ़ी सारी जगह दोस्तों स्टरिलिटी का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता। यहाँ तक कि कई जगह तो ऐसा होता है कि एक ही ऑपरेशन थिएटर में गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स भी हो रहे हैं, वहीं ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स भी हो रहे हैं, वहाँ पर हर तरह के पेशेंट भर्ती हैं, तो ऐसे में इन्फेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाता है। अगर आप हमारे यहाँ की तुलना करें तो हमारे यहाँ एब्सोल्युटली ऑपरेशन थिएटर में ACL के अलावा कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। स्टरलाइजेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। काफ़ी सारी जगह ऐसे सेंटर्स होते हैं दोस्तों जहाँ पर दिन के 50-50, 60-60 ऑपरेशन होते हैं। खासकर सरकारी अस्पतालों में ये प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि वो लोग हाई वॉल्यूम सेंटर होते हैं। ऐसी जगह पर क्रॉस इन्फेक्शन करने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इन्फेक्शन एक ऐसा फैक्टर है दोस्तों जो इन्फेक्शन आपके ग्राफ्ट को फेल कर सकता है। इसमें ऐसी जगह का चुनाव करना जहाँ पर कि सर्जरी में स्टरिलिटी का प्रॉपर ध्यान रखा जाता हो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा चौथी जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैंने ACL को फेल होते देखा है वो है प्रॉपर एक्सरसाइज की गाइडेंस नहीं मिलना। काफ़ी सारी जगह बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास आप जाके ऑपरेशन करा लेते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में चला लेते हैं, लेकिन बाद में एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाता है। आप अपने डॉक्टर से रेगुलर टच नहीं कर पाते। इसकी वजह ये हो सकती है कि वो डॉक्टर बड़े महानगरों में रहते हैं और वहाँ पर आप रोज़ नहीं जा पाते, या फिर ये वजह भी हो सकती है कि आपसे वो लोग संपर्क नहीं कर पाते। ऐसी वजह से अगर प्रॉपर कसरत नहीं की जाए तो उससे भी ACL ग्राफ्ट के फेल होने के चांसेस बन जाते हैं। इस चीज़ के लिए हमने ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्रोग्राम चालू किया हुआ है। हमारा व्हाट्सएप ACL हेल्प प्रोग्राम है, जिसमें हम लगभग अपने हर पेशेंट से रेगुलर टच में रहते हैं और उसे प्रॉपर कसरत बताते रहते हैं। यही वजह है कि उसकी जो मसल स्ट्रेंथ है वो बहुत इंप्रूव हो जाती है और फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण वजह है जिसकी वजह से आज हमने पिछले 15 साल में 100% सक्सेस रेट को पाया है। अगर आप लोगों को भी ACL की प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है कि कौन सी जगह आप बेस्ट इलाज करा सकते हो, जहाँ पर कि आपको पूरी हेल्प भी मिलेगी, 100% सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और जो इलाज है वो बहुत ही अफोर्डेबल पैकेज में हो जाएगा, तो हमारी जगह आपके लिए उत्तम हो सकती है। नीचे लिखे गए नंबरों पर आप अपनी रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करिए और हम आपकी पूरी गाइडेंस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।